अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट सी काबली पुलाव की रेसिपी। वैसे तो काबली पुलाव एक प्रॉपर मेथड से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लेफ्ट ओवर चीज़ों से आपको काबली पुलाव बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काबली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो जाहिर है हमें चावल चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने बनास्पति राइस लिए थे, 1 kg के अराउंड मेरे पास थे। इस पुलाव के पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मेरे पास कुछ बॉयल चने रखे हुए थे ब्लैक, तो कुछ की मैंने चाट बना ली थी और कुछ का सालन, फिर भी कुछ बचे हुए थे तो मैंने सोचा चलो उसकी काबली पुलाव बनाई जाए। तो उसी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छी तरह से साफ कर लिया था। वैसे तो चावल बड़े होते हैं, साफ ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई डस्ट वगैरह ना हो, तो स्टोन्स वगैरह ना हो, इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया था। यहाँ पर मैं आपको जूम कर दिखा रही थी कि चावल कितने नीट क्लीन है। आप कुछ भी काम करें तो हाइजीन का ख्याल लाजमी रखा करें, अपने किचन में, अपने घर में, और किचन में तो ख़ास करके, क्योंकि सब फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ किचन की हाइजीन पर ही डिपेंड करती है। आगे देखें, ये मेरे पास थे चने जिनको मैंने बॉईल किया हुआ था, और ये फ्रीज किए हुए चने थे। यहाँ पर चने थोड़े हार्ड बॉईल ही थे, ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं थे किए, क्योंकि इन्हें फर्दर रेसिपीज़ के लिए मुझे यूज़ करना था। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने चाट बनाई थी, सालन बनाया था, और अब मैं इनकी काबली पुलाव बनाने लगी थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको हार्ड बॉईल किया था ताकि ये आगे जाकर अच्छी तरह से रेसिपीज़ में एडजस्ट हो सके। तो उसके बाद मैं चावल और चनों को साइड पर कर एक पैन में ऑयल को गरम कर उसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज डालूंगी, और प्याज को लाइट ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से पका लूंगी, क्योंकि ऑयल गरम होगा तो जल्दी से लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं उसमें फर्दर मसाले वगैरह डालूंगी, जिसमें थे पील ऑफ किए हुए टमाटर और नमक, मिर्च, ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर रही हूँ, आप लोग कम ज़्यादा अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ज़ीरा मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा, और साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ते वगैरह भी डाले थे, बाकी बिरयानी की तरह मैंने इसमें नहीं डाले थे। पहले सारे साबित मसाले और उनको फ्राई रोस्ट करना, ये सब मैंने नहीं था किया, सिंपल सी मैं आपको बता रही थी जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्ट में। तो बस ये बहुत सिंपल सी मेथड है, आप लोग इसे इंस्टेंट वे में बना सकते हैं और ये टेस्टी भी बहुत होगी। उसके बाद जब सारे मसाले मुझे लगा कि अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो फिर मैं उसके बाद में इसमें मेरे पास जैसे कि 4 कटोरी के अराउंड चावल थे, तो मैं इसमें 7 कटोरी डाल दूंगी पानी की, और पानी को अच्छी तरह से मैं यहाँ पर गरम करूँगी। जब पानी में 2 या 3 बॉयल आ जाएंगे, तो उसके बाद जो चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे वो चावल मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है वो आपको चावलों से डबल रखनी है। जैसे कि मैंने 4 कटोरी डाले थे, तो मैंने 1/2 घंटा पहले चावल भिगोए थे, वो कुछ सॉफ्ट हो चुके थे, इसीलिए मैंने 7 कटोरी पानी डाला, वरना बनते तो 8 थे, लेकिन जो मैंने पहले भिगोए थे इस वजह से, थोड़े सॉफ्ट होने की वजह से, मैंने 1 कटोरी पानी कम कर दिया। आगे जाकर मैं चेक कर लूँगी, अगर तो चावल कच्चे हुए तो फिर मैं इसे गीले रुमाल का दम दे दूँगी, उससे वो कवर हो जाएंगे। ज़्यादा पानी डालने से चावल जो हैं वो घुल सकते हैं और ज़ाया हो सकते हैं, तो जब भी कुछ बनाएं छोटी छोटी सी बातों का ख्याल लाजमी रखा करें। तो ये देखें, यहाँ पर जो हमारे चावल थे वो मज़ेदार से रेडी हो चुके थे।
जब ये अच्छी तरह से पक गए तो फिर मैंने इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड कर दिया। इसे एक कलरफुल काबली पुलाव का शेप और टेक्सचर वगैरह देने के लिए। होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डू देन हिट द लाइक बटन। वेरी सून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।